मेरे नाम है, मैं एज अ प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। यहाँ पे 9 बिल्डिंग है जहाँ में से 7 बिल्डिंग बनाया है, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन ही है जिसके ऊपर बिल्डर का केस चल रहा है। आज बिल्डर बोल रहा है मैं इसके ऊपर नहीं हूँ, मेरा हाथ ऊपर है, ठीक है, चलो माना तुम इसमें नहीं है, तुम सोसाइटी को बताने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं कि मैं पानी भरूंगा कि नहीं भरूंगा। तुम अगर सोसाइटी मेंबर आते हैं तुम्हारे पास तो तुम ये आश्वासन देते हो कि हम भरेंगे, उसके बाद 2 दिन बाद क्या होता है, तुम नहीं भरते हो। आज बोल रहे हो कि हम एसआरए को हैंडओवर कर दिए, हम इस पार्टी में कुछ इन्वॉल्व नहीं। तुम्हारा सेल्फ प्लॉट रेडी हो गया जो कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए जब तक तुम स्लम ड्वेलर को उनका घर नहीं देते। अभी तक पीपल आर आउट ऑफ देयर रेसिडेंट, जो स्लम ड्वेलर जिनका घर है जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया है उन लोगों को पूरा रूम नहीं मिला है, और जिसको रूम मिला भी है वो सफर कर रहे हैं, जिसको कभी पानी नहीं मिला है कभी लाइट नहीं मिल रहा है, ये काट काट के जा रहा है। कल सीआरपीएफ आए थे ये कट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है इसके ऊपर कि लाइट और पानी बेसिक एसेंशियल है, वो हम कट नहीं कर सकते। अगर आपको करना ही था तो आप पेनल्टी चार्ज करते, रिकवरी करना है तो पेनल्टी आप ऐड करके मांगे, कट करके नहीं जा सकते आप। और सेकंड थिंग, अगर ये बिल्डर बोल रहा है ये मैं आज इस काम में नहीं हूँ, ये ओमकार बिल्डर का नहीं है, तो ये किसका है फिर? स्विगी का है, आपका है, किसका है? कि एसआरए अपने आप से बनाया है क्या? टर्म्स एंड कंडीशन आपको सोसाइटी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? और आप बोल रहे हो सोसाइटी पे बिल्डर बीएसटी वाले ने ये चिपका के गया था कि हम 5 दिन में लाइट कट करेंगे, ये समस्या हम बिल्डर के पास लेके गए। बिल्डर अभी तक भर रहा था, पेमेंट अभी तक कर रहा था, तो क्यों कर रहा था? और अगर आगे नहीं करना है तो वो भी बताना चाहिए था। इतना भी तो हमारे पास पैसा नहीं कि 100-100 रुपए हम कलेक्ट करके तुम्हारा पेमेंट करते। आज चलो आज इलेक्ट्रिसिटी का है, कल बीएमसी वाला पानी के लिए खड़ा होएगा। अब यही करते रहे, ना असेसमेंट मिला है, ना कन्वीनियंस मिला है, ना आईओआई लेटर मिला है, ना ओसी मिला है। सोसाइटी फॉर्म हुई थी, मेंबर सब में बने थे, इलेक्शंस हुए थे, डिसॉल्व भी हो गई वो चीज। अभी उनके प्रशासक आए थे, प्रशासक भी सिर्फ एक प्रशासक है, वो भी प्रेशर से आते हैं, बिल्डर के प्रेशर से वो यहाँ पे आता है और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ लिख के जाता है, उसका जो कुछ मतलब ही नहीं है। आज रूम बिल्डिंग बंद है, लाइट बंद है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई प्रेग्नेंट है, ये 3 दिन से बंद है और उसके पहले भी हुआ था, उसके 10 साल होने को आया है ये बिल्डिंग को शिफ्ट होके। चलो 10 साल होने आया बिल्डिंग को बंद के, लेकिन उनका जो अभी तक कौन कर, जो 2 बिल्डिंग बनाना रेडी हुआ नहीं है अभी तक, उनका जिसको पोजीशन दिया ही नहीं है उसके ऊपर बेघर है सब, उसके ऊपर रिट पिटीशन डाला है, 1543 हमारा रिट पिटीशन नंबर है। कौन सी बिल्डिंग में, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 7 बिल्डिंग बनाया है 9 बिल्डिंग के बदले, 900 पब्लिक है अभी तक यहाँ पे, लेकिन वहां पे अभी तक 350 लोग बाहर है। क्या है, अगर तुम पीछे से ही बोलेंगे हम हाथ उठा दिए, हम हाथ उठा दिए, हमारा कुछ नहीं है, हम बैंक क्रप्ट हो गए, हमारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम्हारा काम भी तो खत्म हुआ नहीं है, तो आप अभी इसमें हो कि नहीं हो, मतलब बिल्डर है कि नहीं, ओमकार बिल्डर बाबूलाल वर्मा वो है कि नहीं है इसमें? हम अभी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में तो जिसको पोजीशन नहीं मिला, भाड़ा नहीं मिला उसके लिए, अभी जो रह रहे हैं उन लोगों को तो अभी यही सफर करे, जिसको रहने के लिए दिया है लेकिन उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है, पैसा तो तू क्यों भर रहा था फिर? तुम गुडलक बोल रहे, चलो आज बोल रहे तुम मेरा वो अमाउंट गुडलक अमाउंट है, माना तुम्हारा गुडलक अमाउंट है, लेकिन तुम बताओ ना कि हम नहीं भरेंगे। हाँ, बाबूलाल वर्मा और कौशिक मोरे, ओमकार डेवलपर, ओमकार रिटेलर डेवलपर। मेरा नाम संजय अल्ले है, मैं यही बिल्डिंग में डी विंग में 9वें माले पे रहता हूँ। आम आदमी के हिसाब से हमको टेक्निकल उतना हमको समझता नहीं है क्या है करके, बट हम आम आदमी के लिए कितना तकलीफ है कि 2 दिन से हमारा लिफ्ट बंद है और 2 दिन से हमारा पानी बंद है, तो घर पे पानी 2 दिन से नहीं आ रहा है, तो मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों भी स्कूल में जाते, तो हम 9 माले कैसे चले? एक तो 3 साल की है, एक 9 साल की है, तो 9 माला उसको चढ़ाने के लिए हमको चढ़ना पड़ता है, तो 2 बार स्कूल के लिए नीचे आना पड़ता है। तो ये मेरा ही नहीं है, बिल्डिंग के आई विंग से लेके सी विंग तक जो भी बच्चे हैं उनका सबकी तकलीफ है। सो मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्निकल इशलिटी एज आम आदमी हमको नहीं पता है, बट ये जो समस्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इसके लिए कुछ हमारे लिए सुविधा करे और जल्द से जल्द हमारे हेल्प के लिए कोशिश करे। थैंक यू। मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है, मैं डी विंग महालक्ष्मी सोसाइटी में रहता हूँ। एसआरए महाड़ा सोसाइटी का डेवलपमेंट है, ओमकार बिल्डर एंड डेवलपर ने इसे बनाया है,
और इसी स्थान पे हमने जन्म लिया है। जितने बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं इसी स्थान पे जन्म ले चुके हैं। 52 से 53 साल उम्र हो चुकी है हमारी। बिल्डिंग डेवलप होने के बाद बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से सभी लोग सफर हो रहे हैं, और लास्ट के 2 सालों से पूरी तरह सफर हो रहे हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, असेसमेंट की समस्या हो, या सोसाइटी के मेंटेनेंस की समस्या हो, लिफ्ट की समस्या हो, सिक्योरिटी की समस्या हो, सारी समस्याओं से लोग सफर हो रहे हैं। और सारे जो यहाँ पर 10 से 15 हजार लोग हैं वो पूरी तरह सफर हो रहे हैं। हर तरीके की कानूनी कार्रवाई हो रही है, पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीएमसी या बीएसटी पुलिस लेकर आती है, गन लेकर आती है और सारे ताले मारकर लिफ्ट बंद करके चली जाती है। अब तो पॉलिटिशियन भी हैरान हो चुके हैं बेचारे। अभी 15 दिन पहले 8 दिन का ही पूरा था, 8 दिन पूरा बंद था। उस वक्त एमएनएस के मिस्टर यशवंत किलेदार जी ने सपोर्ट किया, जनरेटर बैकअप दिया, सारा चीज दिया, लेकिन मदद कोई कितने दिन करेगा और क्यों करेगा? मदद की भी सीमा होती है, ड्यूरेशन होती है, एक टाइम पीरियड होता है। हमारी आम जनता जब तक एक नहीं होगी, लोग एक नहीं होंगे, सारे लोग एक नहीं होंगे, तब तक इसकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। अभी कोर्ट में भी केस जा चुका है, सारी कोर्ट की भी समस्याएं चल रही, सारा लीगल एलिगेशन चल रहा है। ये सारे प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे? आज लोगों के घरों में पानी नहीं है, किचन नहीं बना है, बच्चे कैसे जा रहे हैं, बूढ़े कैसे जा रहे हैं? मैं खुद अपने भाई के घर कल गया, रात के 12 बजे गया, सुबह आया हूँ फ्रेश होके कपड़े धोकर। सभी के कोई जिम में जाके नहा रहा है, कोई ऑफिस में जाके नहा रहा है, कोई सुलभ शौचालय में जाके नहा रहा है, कोई होटल में जा रहा है। अगले महीने ही हुआ था, लोग आधे लोग घर खाली करके चले गए थे। और ये आई विंग से लेकर सी विंग तक जो भी 6 से 7 बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की समस्या निरंतर विगत 2 सालों से कंटिन्यू चल रही है, और इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न बिल्डर सुनने के लिए तैयार है, न सरकार सुनने के लिए तैयार है, न प्रशासन सुनने के लिए तैयार है। सरकार में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन से अपनी अपनी मदद कर रहे हैं, लेकिन उस मदद का एक सही नतीजा नहीं निकल रहा है। और नतीजा कब निकलेगा? मुख्य परेशानी बिजली और पानी। अगर बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, वो लाइट बिल नहीं भर रहे हैं, असेसमेंट टैक्स नहीं भर रहे हैं, वो सारा टैक्स उन्होंने 9-10 साल भरा, अब कहते हम नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे ये उनको क्लियर करना चाहिए। जब उन्होंने सोसाइटी थी, बाद में डिसॉल्व हो गई, अब कोई सोसाइटी नहीं है 2-3 सालों से। एक बार 5 साल सोसाइटी बनी थी, 1 साल उसे एक्सटेंशन भी दिया गया था, लेकिन सोसाइटी ने क्या काम किया क्या नहीं किया वो किसी को पता नहीं, ना कोई जानता है। और जिनके पास जो भी नॉलेज है एसआरए के अंतर्गत, आधा अधूरा नॉलेज है। सब यहाँ की बातें सुन के, वहाँ की बातें सुन के लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और लोग अपनी अपनी व्याख्या, अपने अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और सारी आम जनता सफर हो रही है, बहुत तकलीफ है। किसी के घर में किचन नहीं बना है, 20-23 मंजिला इमारत है, लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं। अभी कल की बात है, यहाँ एक लड़की, छोटी सी बच्ची थी, किस फ्लोर से आई मुझे पता नहीं, उसका हाथ कट गया था और डॉक्टर के पास गई, अब कब लौटे पता नहीं। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनवाई तैयार नहीं है। बीएमसी, सरकार, प्रशासन, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब तो सरकार ने भी हाथ उठा दिया, बोला भाई आप लोग कोर्ट में जाइए, वो भी कितनी मदद करेंगे आपकी? महालक्ष्मी सोसाइटी, सॉरी,